हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुमुद फ्रॉम कुमुदनीज होम गार्डन्स। सो जैसे कि आप फोटो में देख ही रहे हैं कि एक आम यहाँ पे सुंदर सा कटा हुआ रखा है। सो हमारा टॉपिक बिल्कुल आपने सही समझा, आम के ऊपर ही होने वाला है। आजकल जैसे आम का बहुत ही अच्छा सीजन चल रहा है, तो आम खाने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी गुठलियों को कहाँ फेंक देते हैं? डस्टबिन में, अपना जो किचन वेस्ट होता है उसमें डाल देते हैं। तो वो किचन वेस्ट कहाँ जाता है? हमारा जाता है वो लैंडफिल के माउंटेन पे, उसको और बड़ा बनाने के लिए। अच्छा तो ये नहीं होगा कि हम इन गुठलियों से पेड़ बनाएं, पौधे बनाएं। तो आज हम यही सीखने वाले हैं फ्रेंड्स कि ये जो हम गुठलियाँ इसमें से बच जाती हैं, उससे हम छोटे छोटे पौधे किस तरीके से विद इन 3 to 5 days में तैयार कर। तो चलिए फिर देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये गुठली, ये एक ऐसे ही आम से एक गुठली निकली थी, तो मैंने उसको अच्छे से साफ किया है। आपको भी फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसे ही गुठली को साफ कर देना है, जूने से या किसी स्क्रबर से अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। तो ये मैं तो इन गुठलियों को उसी टाइम साफ करके रख लेती हूँ, और कभी कभी मेरी जो गुठलियाँ हैं ये इस तरीके से कलेक्ट भी हो जाती हैं। सो ये थोड़े ड्राई हो गई हैं एज यू कैन सी, बट अगर ये हमको फ्रेश मिल जाएं इस टाइप की, तो इसको हमें प्रोसेस करना आसान रहता है। इसको जो हमें अभी प्रोसेस करना है, इसमें एक कट लगा के, तो जिससे कि ये जल्दी जर्मिनेट हो जाए, तो उसमें ये जो फ्रेश गुठली है ये बड़ी काम आती है। उसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा जल्दी हो जाता है प्रोसेस। तो अगर तो हमारे पास फ्रेश गुठलियाँ हैं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट स्टेप तो यही है हमारा कि हम इस आम में से इसको यूज़ करने के बाद उसमें से गुठली निकालें, साफ करें। सेकेंड स्टेप हमारा आता है कि हम साफ करने के बाद एक ये सॉल्यूशन तैयार करें पानी का। ये पानी में थोड़ा सा फंगीसाइड मैंने डाला है, तो ये फंगीसाइड में हम इस टाइप की गुठलियाँ निकाल के इनको थोड़ी देर के लिए डिप कर दें। और ये जो पुरानी वाली गुठलियाँ हैं इस टाइप की, इनको भी हम डाल सकते हैं इसी के अंदर। ये हमको करीब 1 घंटा रखना है, क्योंकि इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, ऊपर का इसका आउटर कवर हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो इसको आगे प्रोसेस करने में आराम होता है। तो हमारी जो ये फ्रेश वाली गुठली है, ये हमारी 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है। तो ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप फ्रेंड्स। अब इसका आता है थर्ड स्टेप, तो अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये होगा हमारा थर्ड स्टेप। तो आप ये देखिए, ये गुठली है ये आम का, दिस इज मैंगो सीड ऑल्सो, इसके अंदर इसका सीड होता है और ये इसका आउटर कवर होता है। यही हार्ड होता है, और इस हार्डनेस की वजह से ही हमारा जो सीड है अंदर, वो जल्दी से जर्मिनेट नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना है, ये सीड का जो आउटर कवर है इसको थोड़ा सा कट करके निकाल देना है। ये हार्ड होता है फ्रेंड्स, इसको जो है आप थोड़ा ध्यान से निकालें, बिल्कुल शार्प चाकू होना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से ज्वाइन होती है ये। तो इसको मैं पूरा करती हूँ। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा और इसको हम कट करके निकाल सकते हैं। अब ये काफी यहां से लूजन अप हो गई है, ये देखो। जब ये क्रैक आपको नजर आने लग जाए, इसका मतलब है कि इसके अंदर का जो सीड है
अब अपनी पूरी ताकत लगा के इसके अंदर से जर्मिनेट हो जाएगा। सो ये हमारा हुआ थर्ड स्टेप। अब हम फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो फोर्थ स्टेप में हमारा होता है कि हम इसकी सॉइल सीड लगाने के लिए सॉइल की कैसी प्रिपरेशन करें। सो इसमें हमारा है 1 part गार्डन सॉइल, 1 part इसमें ये कोकोपीट है और 1/4 part हमारा कॉम्पोस्ट है। एंड यू सी दिस लिटिल बिट white थिंग, ये हमारा है ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड। ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड ऑर्गेनिक फंगीसाइड होता है, तो यूजुअली एडिबल थिंग्स में हम दूसरे केमिकल फंगीसाइड्स का उपयोग नहीं करते हैं, इसी का करते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका हम एक पॉट तैयार कर लेते हैं जल्दी से। ये इसका पॉट मैंने लिया है और इसमें अब इस सॉइल को बीज बोने के लिए डाल देते हैं। इसको हाफ फिल करते हैं, हाफ क्या मतलब 3/4 तक इसको हम फिल कर सकते हैं। तो ये हमारा 3/4 फिल हो गया। अब हम इसमें अपना ये सीड इसको बो देते हैं। इसको अगर आप साइड में भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं, आप जैसे भी रखेंगे ये पौधा तो जर्मिनेट होगा ही। तो मैं इसको फ्लैट डाल रही हूं। अब इसको पूरा हम भर लेते हैं सॉइल से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है इसको वाटर करने का। ये हमारी हो जाती है वाटरिंग। एंड द सॉइल इज सो लाइट एंड पोरस कि फटाफट इसमें से इसके ड्रेनेज होल से ये पानी बाहर आ जाता है। फर्स्ट टाइम पूरा पानी दे दीजिए कि बाहर आ जाए, एंड फॉर नेक्स्ट टाइम्स आप इसको बस उतना ही देंगे जितनी की इसको जरूरत है। मीन्स सॉइल मॉइस्ट रहनी चाहिए। बारिशों के दिनों में तो पानी देने की जरूरत ही नहीं है, तो आप खाली तभी पानी दीजिए जब बारिश ना हो रही हो और मिट्टी आपको थोड़ी ड्राई लगती है। तो ये हो गया इसका नेक्स्ट स्टेप। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक बार आपका ये पॉट तैयार हो जाता है तो आपको इसको पूरे फुल शेडी एरिया में ही रखना है, कम से कम 3 से 5 दिन तक, तो बल्कि मैं तो कहती हूँ 10 दिन तक। बिकॉज मेरे पौधे 10 दिन तक रहे पेड़ के नीचे और वो फर्स्ट क्लास से जर्मिनेट हुए और काफी अच्छे बड़े भी हो गए हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो आप इसको शुरू में, जब तक पौधा आपका करीब तकरीबन इतना बड़ा ना हो जाए, करीब 6-7 इंच का ना हो जाए, तब तक आप इसको पूरे फुल शेडी एरिया में रखिए। अब मैं फ्रेंड्स आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने पौधे लगाए थे, जो गुठलियां आम की लगाई थी जिसमें बीज होता है जर्मिनेट करने के लिए, वो अभी कितना बड़ा हो गया है ये देखिए। ये है जिसकी गुठली मैंने लगाई थी करीब 10 दिन पहले, और ये 10 दिन के बाद का रिजल्ट है। 3 दिन में इसका पौधा जर्मिनेट हो गया था और 10 दिन में ये तकरीबन इतना बड़ा हो गया है। तो आप भी पौधे लगाइए, इस तरीके से लगाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है, इसी प्रोसीजर से स्टेप बाय स्टेप, तो फिर आपके पौधे 3 से 5 दिन के अंदर अंदर जर्मिनेट भी होंगे और वो बड़े भी होंगे। जब वो तकरीबन इतने बड़े हो जाएं, लाइक इसमें करीब कितने पत्ते आ गए, 2, 3, 4, 5 पत्ते आ गए हैं, करीब 7-8 पत्ते तक आ जाएं, 9 पत्ते तक आ जाएं, तो आप इसको एक पिट्स बना के जमीन के अंदर कहीं गड्ढे में अपने गार्डन एरिया में, वहां पे आप इनको लगा दें, तो ये धीरे धीरे पेड़ बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने पौधों को 3 से 5 दिन के अंदर अंदर तुरंत छोटे छोटे पौधों में आप तब्दील कर सकते हैं अपनी गुठलियों को। सो उन्हें फेंकिए मत, उनको यूज कीजिए फ्रेंड। आने वाली जनरेशंस को एंजॉय करने दीजिए इन आमों को। और अज्ञानियों ने भी कहा है कि हमें कम से कम 2 पेड़ तो लगाने ही चाहिए। एक पेड़ है हमारे अपने यूज के लिए और जो आने वाली जनरेशन है उसके यूज के लिए, और दूसरा है हमारे जाते टाइम।
सो फ्रेंड्स ट्राई कीजिए ये, और इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड उसके नीचे एक घंटी का बटन होता है उसे भी आप दबा दीजिए, और हो सके तो शेयर भी कर लीजिए. सो हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, इन्जॉय योर गार्डनिंग. यू सी, जाते जाते मैं आपको अपने ये भी दिखा देती हूँ. ये मेरे माइक्रो ग्रीन्स हैं जो कि मैंने करीब 3 दिन पहले, यस टुडे इज द 3rd, 3.5 days rather, यू नो वो है, तो ये मैंने बनाए थे और ये अब बस प्रोसेस में है. 2 दिन के बाद दे विल बी एब्सोल्युटली रेडी टू कंज्यूम. सो हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, इन्जॉय, एंड प्लीज सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.